भारत में अपनी थूथू कराने के बाद टिकटॉक अब सख्त हो गया है। टिकटॉक पर अब वीडियो बनाने वालों पर नए रूल्स लगा दिए गए हैं। अगर इनके खिलाफ जाकर कोई भी वीडियो बनाएगा तो टिकटॉक उस वीडियो को रिमूव कर देगा और उसका अकाउंट लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा। दरअसल फैजल सिद्दीकी की एसिड वाली वीडियो पर राष्ट्र महिला आयोग ने टिकटॉक की खटिया खड़ी कर दी। लोग वैसे भी इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ बहुत पहले से थे। कैरी मिनाटी की वीडियो रिमूव होने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लोग इस मौके की तलाश में थे कि कैसे भी टिकटॉक की तरफ से कोई गलती हो, और ऐसे में गलती पकड़ में आई आमिर सिद्दीकी के भाई फैजल की। इसके बाद तो लोगों ने भर भर कर टिकटॉक को गालियां देना शुरू कर दिया। टिकटॉक की रेटिंग 4.7 से 1.3 हो गई और लगातार इसे इंडिया में बैन करने की मांग शुरू हो गई। इतना बवाल देखने के बाद टिकटॉक ने आनन फानन में अब्यूज्ड वीडियोस को डिलीट करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही यूजर्स को नई गाइडलाइंस दे दी गई हैं। टिकटॉक ने एक ट्वीट किया है जिनमें ये सभी गाइडलाइंस लिखी हैं। हम आपको एक एक करके सभी गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले टिकटॉक ने बताया है कि कैसी वीडियोस को टिकटॉकर्स अपने अकाउंट पर अपलोड कर सकते हैं। रूल नंबर 1, ऐसी वीडियोस जो क्रिएटिव हों और जिससे लोगों को मजा आए। रूल नंबर 2, ऐसी वीडियोस जिनका कोई मतलब हो और इससे लोगों के बीच बेहतर तालमेल बने। रूल नंबर 3, ऐसा कंटेंट बनाए जो सुरक्षित हो और सभी धर्म जाति के लोग इसे साथ बैठकर देख पाएं। अब आपको उन रूल्स के बारे में बताते हैं जिनको तोड़ने पर टिकटॉकर का अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। रूल नंबर 1, जो खतरनाक और आपराधिक बातों को सपोर्ट करेगा उसका अकाउंट बैन हो सकता है। रूल नंबर 2, किसी भी तरह की हिंसा, फिर वो इंसान के खिलाफ हो या जानवर के, ऐसी वीडियोस को रिमूव कर दिया जाएगा। रूल नंबर 3, किसी भी व्यक्ति या फिर पूरी कम्युनिटी के खिलाफ बनाई गई वीडियोस पर भी एक्शन होगा। रूल नंबर 4, ऐसी वीडियोस जिनको बनाने में आप पर या फिर दूसरों पर रिस्क होगा, बैन कर दिया जाएगा। 5वां और आखिरी रूल, ड्रग्स, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करना और सेक्सुअल कंटेंट को प्रमोट करना भी अब टिकटॉक के रूल्स के खिलाफ होगा। इन सब रूल्स को पढ़ने के बाद सवाल उठता है कि अब टिकटॉकर्स बनाएंगे क्या, क्योंकि आधे वीडियोस में वो गोली मारते हैं और आधे में वो हिंसा करते हैं, बाकी बची कुची वीडियो में वो थोड़ा बहुत सेक्स परोस देते हैं। खैर, इन सबको देखकर लगता है कि कई टिकटॉकर्स की अब दुकान बंद होने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।